नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली। राज्य में सुस्त पड़ा मानसून फिर से एक बार सक्रिय हो गया। मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी भी की। हालांकि आपको बता दें कि कुछ जिलों को छोड़कर पूरे बिहार में वज्रपात के आसार हैं। राजधानी पटना में शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग केंद्र ने औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गया और किशनगंज जिले में शुक्रवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार के उत्तर मध्य भाग को छोड़कर सभी जिलों में वज्रपात की आशंका जताई है। मानसून की ट्रफ लाइन पश्चिम छोर हिमालय की तलहटी में है। वही पूर्वी छोर बाराबंकी, डेहरी, रांची और दीघा से गुजरते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी तक प्रभावी है। इससे बिहार में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे के भीतर अररिया में अति भारी बारिश भी हुई। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बांका और भागलपुर जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज भी की गई। अन्य जिलों में भी बूंदा बूंदी की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अररिया के फारसगंज में 117.4, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 75.2 मिलीमीटर, गया के खीसराय में 74.8 मिलीमीटर, बांका के बौसी में 74.2 मिलीमीटर, पश्चिम चंपारण के लोरिया नंदनगढ़ में 68.4 मिलीमीटर, भागलपुर में 67.2 मिलीमीटर, पूर्वी चंपारण के सुगौली में 62.8 मिलीमीटर पानी गिरा। इसी तरह तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे पीआर न्यूज़ पर। नमस्कार।